वे भागते थे, भूल करके भी श्री राम जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जिन्हें सनातन धर्म की परंपरा पर विश्वास था, यह तो धर्मस्ततो जय के इस सनातन वाक्य पर विश्वास था, वे लोग इस बात को मानते थे कर्म करना हमारा कार्य है, इसके परिणाम तो विधाता हमें देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोगों के लिए असंभव था, आज भारत ने उसे संभव बना दिया है। और सनातन धर्म याद रखना, पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान में संघर्ष चल रहा है, कोई अफगानिस्तान से भाग रहा है, कोई यूक्रेन से भाग रहा है, कोई गांजा पट्टी से भी भाग रहा होगा, लेकिन दुनिया के अंदर अगर वास्तव में विश्व शांति की कोई गारंटी हो सकता है तो विश्व शांति की गारंटी केवल सनातन धर्म हो सकता है और भारत हो सकता है, बाकी कोई और नहीं हो सकता। यही कारण है जब आज दुनिया के अंदर संकट आ रहा है तो संकट के समय हर देश, हर धर्मावलंबी, दुनिया का हर पीड़ित मानव भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है, उसे विश्वास है भारत ही फिर से उसके लिए आस बनेगा, भारत ही फिर से एक विश्वास बनेगा। और भारत की आस और विश्वास के साथ जब भारत की 140 करोड़ की आबादी जुड़ती है तो यह दुनिया की एक ताकत बनती है, दुनिया की एक ताकत। उस ताकत के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज का यह समारोह उसी अभियान को मजबूती प्रदान करने का एक अभियान है। यह साधना भूमि है, नाथ संप्रदाय के सिद्धों संतों की पवित्र साधना स्थली है, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी की पवित्र समाधि स्थली है, पूज्य बाबा महंत चांदनाथ जी महाराज ने जो संकल्प लिया था, और मुझे याद है उस संकल्प के दौरान जब यहां पर समाधि मंदिर की भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था पूज्य महंत चांदनाथ जी महाराज के सानिध्य में, तब जीनी।